ବ୍ୟାଙ୍କରେ 16 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। ୟୁପିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବେ ଆଉ କେବଳ କଥା କି ଯୋଜନା ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ରହିନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଏହାକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ये योजना गांव गरीब के लिए, बेटियों के लिए भरोसे का बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। यूपी ने बैंक सखी का जो अभियान शुरू किया है, वो महिलाओं की रोजगार के अवसरों के साथ ही उनके जीवन में भी बड़े बदलाव ला रही। पीएम दीनदयाल अंत्योदय योजना माध्यम रे स्वयं सहायक गोष्ठी रो महिला मानक अकाउंट को 1000 कोटी टंका ट्रांसफर करिसंती प्रधानमंत्री। एहा फळरे देशर ग्रामांचल रे बसवास करूतिबा प्राय 16 लाख महिला उपकृत हेबे। एही कार्यक्रम रे 2 लाख महिला शामिल होइथिले। एथि सह मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना रे 1 लाख रु अधिक हिताधिकारी को 20 कोटि रु अधिक अर्थ ट्रांसफर करा जायछि। एही योजना रे प्रत्येक लाभार्थी को 15,000 टंका लेखाए प्रदान करा जिवो। उत्तर प्रदेश समेत पूरा देशर महिला मानकु स्वावलंबी करबा दिगरे सरकार प्रतिबद्ध बोली एही अवसर रे संबोधन करी कहिछन्ती प्रधानमंत्री। सरकार अलग अलग सेक्टर्स में स्वयं सहायता समूह को जो सहायता दे रही है, इसकी एक किस्त के तौर पर आज मुझे 1000 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला है। यूपी के विकास की धारा अब किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। केंद्र सरकार प्रति महिला को जन्मरू जीवन प्रत्येक स्तर रे ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଓ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଯୋଜନାର ସୁଫଳତା ଆଜି ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଛି। ହମନେ ବେଟି କେ ଜନ୍ମ ସେ ଲେକର ଜୀବନ କେ ଚକ୍ର ମେ ହର ଅବସ୍ଥା ମେ ମହିଳାଓଁ କୋ ସଶକ୍ତ କରନେ କେ ଲିଏ ଯୋଜନାଏ ବନାଇ ଅଭିଯାନ ଚଲାଏ। ସାଥିୟୋଁ, बेटियां कोख में ही ना मरी जाए, वो जन्म ले, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। एही कार्यक्रम रे सीएम योगी आदित्यनाथ, डेप्युटी सीएम केशव मौर्य, मंत्री महेंद्र सिंह, सांसद रीता बहुगुणा जोशी और हेमा मालिनी प्रमुख नेतृवृंद उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।